रायबरेली जनपद की तहसील सलोन के सुरैया मोहकिल गांव में लगी भीषण आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। रायबरेली जनपद की सलोन तहसील के ग्राम सुरैया मोहकिल में दोपहर लगभग 1:30 बजे लगी आग से किसानों की लगभग 125 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उसके बाद राजस्व विभाग की टीम सहित उप जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही वहां के लेखपाल को किसानों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके कहा गया, जिससे कि किसानों को सरकार के द्वारा नुकसान का कुछ सहयोग मिल सके। बातचीत के दौरान गांव के किसान राम भगवान यादव, बिल्लाकांत माता, भी राजेश कुमार, उपेंद्र कुमार, राम प्रसाद ने बताया कि सब किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। इस आग में हम लोगों की मेहनत जलकर नष्ट हो गई है। उनका गुजारा अब कैसे होगा? जनपद की तहसील सलोन के सरैया मोहकिल गांव में, जहां पर अभी अभी 2 घंटे पहले भीषण आग से लगभग 400-500 बीघे गेहूं की फसल नष्ट हो गई है जलकर, और हमने उसके बारे में ग्रामीणों से बात की, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, और लोगों ने तत्काल जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड लगभग 1.5 घंटे बाद, आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुँचा, और उसके बाद फसल काफ़ी नुकसान हुआ है, सभी किसानों ने बताया, उनसे हमने पूछा, तो इसके बाद यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल महोदय आ गए हैं, सभी किसानों की सूची तैयार कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, जिससे कि यहाँ के किसानों को राहत के रूप में कुछ सहायता राशि सरकार से मिल सके। आइए क्षेत्रीय लेखपाल जी से बात करते हैं। जी महोदय, जब आग लगी तो इसकी जानकारी आपको? जी, ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना मिली फोन से, जैसा ही सूचना मिली वैसा ही हम और हमारे जितने भी साथी हैं, राजस्व विभाग की टीम और श्रीमान उप जिलाधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे, और तत्काल हम लोग भी जो है फायर ब्रिगेड से संपर्क कर उसको भी यहां बुलवाए, और तुरंत जो है हम लोगों ने सभी खेतों का निरीक्षण किया। सर्वे करने के उपरांत हमें लगभग 115 बीघे के आसपास जो है नुकसान का आकलन किया गया है। अभी यहाँ किसान तो बता रहे हैं लगभग 400-500 किसानों के बताने से नहीं, हम लोगों ने स्थलीय सर्वेक्षण किया है, प्रत्येक गाटे पे जाके निरीक्षण किए हैं, लगभग 115 बीघे फसल नुकसान हुआ है। तो मतलब आप अपनी रिपोर्ट? जी, अभी हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे इसको, अभी चूंकि सर्वेक्षण किए हैं, अभी रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट ऊपर जाती है तत्काल जो है प्रभावित कृषकों को जो भी उचित सहायता है शासन की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। धन्यवाद रहे थे यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल, जो कि किसानों के साथ ऐसी घटना होने पर तत्काल पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी है इन्होंने, और अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जो कि उच्च अधिकारियों को भेजकर किसानों को कुछ ना कुछ सहायता के रूप में दिलाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ अमरेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, रायबरेली। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अमरेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, रायबरेली। जनपद रायबरेली के तहसील लालगंज में भीषण आग लग जाने से लालगंज कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब वार्ड नंबर 13 में आग लगने की खबर इतनी भीषण लगी हुई थी, जिस पर आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन सभी कस्बे वासियों की मदद से इसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने पर फायर ब्रिगेड पहुंचने में देरी होने के कारण आग की वजह से काफी नुकसान हो गया। आपको बता दें कि लालगंज कस्बे में आग लगने से एक बच्ची की भी मौत हो गई, वहीं एक बच्ची को बचा लिया गया है, जिसे सीएससी केंद्र लालगंज में इलाज हेतु भेजा गया, वहीं उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जनपद रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। हर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को समय से न पहुंचने पर कारण यह देखा गया कि रोड पर अतिक्रमण की दुकानों की वजह से पहुंचने में देरी हो गई थी, जिसकी वजह से आग ने अपना कहर जारी रखा, उसमें काफी चीजें जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पा लिया गया, वहीं पर मौके पर पुलिस पर पहुंचकर आज की घटना की जांच कर रही थी, वहीं मृतक लड़की का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो घर में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो जलकर राख न हुई हो, उपयोग का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे लालगंज एसडीएम व कोतवाल पीड़ित परिवार को सहानुभूति दे मदद की सरकार से पूरी तरफ कोशिश की जाएगी। वहीं अभी तक आग लगने का कारण क्या था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घायल अनन्या को जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन उमेश श्रीवास्तव के साथ रवि सोनकर की रिपोर्ट, रायबरेली।